और चलिए जरा अब एक खास मुलाकात करते हैं हमारी कमोलिका से, यानी कि हिना खान से। वेल, हिना खान विद हर स्टाइल स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली क्रिएटिंग वेव्स। जी हाँ, काफी चर्चा में है और चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जल्द ही कैन के रेड कार्पेट पर नजर आएंगी। तो उससे पहले एक खास मुलाकात तो बनती है। कश्मीर की कली हिना खान तैयार है अपनी खुशबू को सात समुंदर पार कांस फिल्म फेस्टिवल में फैलाने के लिए। जी हाँ, आज हम इस कश्मीर की कली से ढेर सारी बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलने की हिना आखिर कैसे तैयारी कर रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड यस, मेरा पोस्टर लॉन्च हो रहा है मेरी फिल्म का वहाँ पे, एंड प्लस आई एम गोइंग टू वॉक द रेड कार्पेट ऑफ कैन 2019, विच आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट। और बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है कैन, एंड मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वॉक नहीं किया है। तो बहुत नर्वस हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि उसके साथ अब यहाँ से निकलने के बाद एक और जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है मेरा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और वैसे भी एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग चीजें करना। मेरे घर के रिएक्शन घर वालों की, हाँ ठीक है, फॉर देम इट्स लाइक या ठीक है, शी इज, दे आर हैप्पी इन वेर एवर आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी। एंड माई मदर तो सेड, वो क्या होता है, and my dad and brother were like good, it's a really really good thing, and they were very happy for me, and they know that I'm really working hard ki main sab kuch manage kar sakun. Abhi main ek video shoot kar, music video shoot karke aayi hu Ranjana with Priyank, we shot it beautifully, bahut 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 mehnat lagi, main so hi nahi hu kitne din se uske baad, yahan par bhi itna stress hai kyunki kasauti mein bhi mere last 2 din bache hain to, but mujhe bahut maza aata hai, you know, I like being workaholic, मुझे बहुत, मुझे एक अलग ही किक है। अब जैसे ही ये खबर सबके कानों में पड़ी थी कि छोटे पर्दे की ये बहुरानी इस साल समुद्र पार जाकर अपना लोहा मनवाने वाली है, उसी पल हर किसी ने हिना खान के बारे में यही सोचा कि ये हिना के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो भाई, अब ऐसे में इस सबकी निगाहें तो हिना खान पर ही रहेंगी कि कांस में वो क्या करेंगी। हमारे पास, हम वी आर रियली बैटलिंग बिटवीन, आई थिंक हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में हम अभी भी सोच रहे हैं। कलर ऐसा कुछ भी नहीं है कलर का, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर पेस्टल शेड्स, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई पॉप कलर अच्छा कलर मुझे लगा तो आई विल गो फॉर दैट। मेरे पास 4-5 ऑप्शंस हैं जो मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ, तो पता चलेगा जब मैं वहाँ जाऊँगी, बिकॉज इंटरनेशनल, डेफिनेटली वेरी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगेन। अब कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए ही कुछ खोना पड़ता है, जैसे कि हिना खान कोमलिका को छोड़कर यहां से जा रही हैं, और ये बात उन्हें खुद को भी नहीं रास आ रही है। इतना स्ट्रेस है, इतने सीन्स करने हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम है, बट समहाउ टच वुड हम मैनेज कर लेंगे, वील अचीव इट। और इतनी लाइंस होती हैं कोमलिका की, मैं दुखी हो गई हूँ अभी लाइंस याद कर करके। यस यस, मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है ना सबके साथ, स्पेशली आई एम डेफिनेटली एक्टर्स के साथ, जैसे कि आई ऑलवेज से दैट इट टेक्स टाइम, लाइक नाउ आई हैव बॉन्डेड वेरी वेल विद पार्थ, एरिका, साहिल, पूजा, एवरी वन, शुभी, उदय जी, एवरी वन, बट हाँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स। तो अब जाके जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो हर चीज़ को एक एक नाम देने के लिए एक एक एहसास आपके अंदर आना चाहिए, तो आई थिंक नाउ वो एहसास आया है। तो वो जो इतनी सारी बातें हवा में हो रही थी, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, एवरी रिलेशनशिप टेक्स टाइम, तो वो हुआ है अब, और अब आई वुड वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, बट अनफॉर्चुनेटली है नहीं। अब बहुत मज़ा आता है उनके साथ, जब भी हम शूट कर रहे होते हैं, बहुत बहुत
मजा आता है एरिका के साथ, पार्थ के साथ, साहिल के साथ, वी जस्ट बिकम लाइक अ टीम नाउ. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ रहा है. तो ये हो गई एक्टर्स की बात. और टेक्नीशियंस के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बहुत मिस करने वाली हूँ. फ्रॉम एडीज टू द डायरेक्टर मुजू एंड टू द क्रिएटिव टीम, शिवांगी, एवरी श्रेया, कांक्षा, वो तो रो देते हैं कभी कभी. तो मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है इस बात का. अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोमोलिका के किरदार में जान डालने के लिए हिना खान ने एक चोटी का बल लगा दिया. और अब जब लोगों के दिमाग में कोमोलिका बैठ गई है तो उनका जाने का समय आ गया. सॉन्ग अभी हो गया जिसका नाम रंजना है, विच इज संग बाय अरिजीत, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल म्यूजिक वीडियो. आप लोगों को बहुत, आई थिंक मेरे लिए भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि इट्स वेरी फिल्मी. इट्स लाइक वन ब्यूटिफुल फिल्म सॉन्ग द वे दे हैव शॉट, एंड मुझे तो बहुत मजा आया हम दोनों को. अदर देन दैट कुछ फिल्म हैं जो आपको पता है, लाइंड अप है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम. विक्रम भट्ट फिल्म आई ऑलरेडी साइन, जो मैं आई थिंक ऑगस्ट में करूँगी. और एक और फिल्म है विच इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा. तो है काफी कुछ लाइंड अप है, टचवुड. एंड आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू एक्सप्लोर डिजिटल स्पेस, वेब स्पेस एज वेल. तो जैसे मेरे पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली कुछ वेब में एक्सप्लोर करूंगी. बट अभी फिलहाल मैं सितंबर अक्टूबर तक बहुत बिजी हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. एंड प्लीज प्रे फॉर मी कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो. जैसे आप सास बहू साजिश एबीपी हमेशा मेरे साथ रहे, एंड आई नो यू ऑल लव मी सो मच. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर मी कि मेरी जर्नी आगे इतनी खूबसूरत हो जितना ही जितना मेरे लिए टेलीविजन था. अब कोमोलिका भले ही जा रही है, लेकिन फैंस के लिए हिना के पास बहुत सारी खुशखबरियां हैं आने वाले दिनों के लिए. तो भैया हिना, आपकी तैयारी में हम भी आपका साथ देंगे. जब भी जरूरत पड़े तो सास बहू और साजिश को जरूर याद करना, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का जो कहलाता है. मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.